नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप रोज़ाना एक चम्मच हल्दी को दूध में मिलाकर पियेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे और इससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। तो अक्सर आपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सुना होगा कि दूध में हल्दी मिलाकर पीने से बहुत सारी बीमारियाँ ठीक रहती हैं। वास्तव में दूध में मौजूद पौष्टिक तत्व और हल्दी के औषधीय गुण इसको एक ऐसा रूप दे देते हैं कि ये एक तरह से दवाई का काम करता है। और इसके अलावा इन दिनों में जो संक्रमण चल रहा है कोरोना वायरस का, और भी काफ़ी सारी बीमारियों का इसमें जो संक्रमण रहता है उसमें भी आपको हल्दी वाला ये दूध काफ़ी मदद करेगा। तो दूध में एक चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से आप संक्रमण से बचे हुए रहेंगे और आपकी इससे इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। हल्दी और दूध के मिश्रण को पानी से इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में आपको मदद मिलेगी। दरअसल हल्दी और दूध को एक साथ मिलाने पर ये मिश्रण एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल के एजेंट के रूप में काम करने लगता है। उसके बाद जब आप इसका सेवन करते हैं तो ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है और आप संक्रामक बीमारियों से बचे हुए रहते हैं। अब आपको तैयार कैसे करना है उसका हम आपको थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। आपको एक गिलास दूध लेना है, एक छोटा चम्मच हल्दी लेना है। सबसे पहले दूध को उबालने के लिए आप अपने गैस पर रख दीजिए। दूध को उबालने के बाद इसमें हल्दी डाल दीजिए। जब दूध उबल रहा हो उसी टाइम उसमें हल्दी डाल दीजिए, एक चम्मच या जितना आप दूध की मात्रा के हिसाब से डालना चाहें उतना। इसके बाद इसको 5 मिनट के लिए उबलने दें और हल्दी जब तक इस दूध के साथ उबल कर मिल ना जाए तब तक उसे आप उबलने दीजिए। उसके बाद उसको हल्का ठंडा कर लीजिए और आप इसके बाद इसका सेवन भी कर सकते हैं। आपको इसमें बहुत सारे लाभ मिलेंगे। इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ हल्दी और दूध को पीने से जोड़ों का दर्द, सूजन, चोट, इसमें बहुत आराम मिलता है। साथ ही साथ ये आपकी पाचन क्रिया को सुधारने में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा हल्दी में एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं जो कैंसर के खतरे को भी कम करते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें।